स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं म्यूजिकल पिलर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, म्यूजिकल पिलर्स, जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। और एंड में है आपके लिए एक बोनस पार्ट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपने पहले फैक्ट की तरफ। बेंगलोर से 350 किलोमीटर दूर एक नगर है हम्पी। यहाँ पे एक मंदिर है, विजय विठाला मंदिर। इस मंदिर के अंदर 56 पिलर्स हैं। ये सारे पिलर्स एक सिंगल स्टोन से ही कार्व्ड आउट किए गए हैं और इन पर बहुत सुंदर स्कल्पचर्स पर देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे खास बात इन पिलर्स के बारे में ये है कि जब आप इन्हें जेंटली आराम से टैप करते हैं, धीरे से टच करते हैं, तब पिलर्स से अलग अलग म्यूजिकल नोट्स की आवाज़ आती है। यही कारण है कि इन पिलर्स को सारेगामा पिलर्स भी कहा जाता है। हिस्टोरियंस के बीच ये डिबेट का मुद्दा रहा है कि जो ये म्यूजिकल प्रॉपर्टीज़ इन पिलर्स के अंदर हैं, ये बाय चांसेस आ गई हैं या इन्हें इंटेंशनली ऐसा ही बनाया गया था। चांसेस यही हैं कि जानबूझकर इन्हें ऐसा बनाया गया था। कहा जाता है कि उन टाइम पर इन पिलर्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ये एकलौता मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ पर ऐसा देखा गया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में भी ऐसे म्यूजिकल पिलर्स देखे गए हैं मंदिरों में। इनफैक्ट तमिलनाडु में एक एरातवेश्वरा मंदिर है जहाँ पर एक स्टेयरकेस है जिस पर कोई चलकर जाता है तो पहले 7 नोट्स इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बजते हैं। फाइनली ये वही टेंपल है दोस्तों जहाँ पर फेमस स्टोन चैरियट है जिसे हम 50 रुपए के नोट पे भी देखते हैं। दोस्तों विजय विठाला टेंपल 15 सेंचुरी में बनाया गया था विजयनगरा एम्पायर के उस टाइम के राजा देव आर्य सेकेंड के द्वारा, और इन 56 पिलर की हाइट 3.6 मीटर्स है। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट्स के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब आप सभी से अगले वीडियो में।